कन्नौज जिले के तिरवा तहसील के बलरामपुर गांव में दर्जनों ग्रामीणों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को एक शिकायती पत्र दिया और पत्र देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि गांव के रोजगार सेवक गांव में होने वाले विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं और इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती पत्र देकर रोजगार सेवकों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हमारे गांव में जब से ग्राम प्रधान का चयन हुआ है तब से अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है और कोई भी कार्य होता है तो उसका विरोध होता है सर। और इसके बाद में अभी हमारे यहां ग्राम पंचायत में एक पत्रावली का भूमि आवंटन हुई है तो उसमें पात्रों का चयन किया गया है और सभी सदस्य मौजूद थे वहाँ पर और इसके बाद भी उसका विरोध हो रहा है सर। इसके विषय में हम लोग आज यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। कितने लोग आए? लगभग 40-50 लोग हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।